नमस्कार साथियों साथियों, आज हम देखेंगे रीज़न फॉर डिज़ाइन चेंजेस, यानी जो हमारी डिज़ाइन होती है उसके क्या क्या रीज़न होते हैं चेंज होने के। साथियों इसको जानेंगे। दूसरा समझेंगे हम ECN फॉर्मेट कैसे भरा जाता है। ECN का मतलब होता है इंजीनियरिंग चेंज नोट। तो इंजीनियरिंग चेंज नोट कैसे भरा जाता है फॉर्म, वो फॉर्म फिलअप करके देखेंगे। तो मैं बताऊंगा कैसे फॉर्म फिलअप करते हैं, तो आप समझ जाएंगे। साथियों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना और शेयर करना। साथियों आपका एक लाइक ही होता है जो मुझे मोटिवेट करता है जिससे मैं वीडियो बनाऊं। साथियों और आपके लिए जरा से भी हेल्पफुल है या फायदेमंद है आपके लिए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तो आइए साथियों देखते हैं वीडियो। साथियों रीज़न फॉर डिज़ाइन चेंज, यानी डिज़ाइन चेंज के क्या क्या रीज़न होते हैं ये देखते हैं। आइए साथियों देखते हैं। चेंजेस इन प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, यानी कोई सी प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन चेंज होते हैं तो हम डिज़ाइन चेंज होता है, यानी किसी प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन चेंज होंगे तो डिज़ाइन चेंज होगा। दूसरा होता है करेक्शन ऑफ डिज़ाइन फ्लोज, यानी कोई करेक्शन करते हैं डिजाइन फ्लो का तब भी होता है। दूसरा होता है कॉस्ट रिडक्शन, यानी किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा आ रही है उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कम करने के लिए हम डिजाइन चेंज करते हैं। दूसरा होता है रिडक्शन ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट लीड टाइम, यानी जो लीड टाइम है उसको किसी प्रोडक्शन में डेवलपमेंट में ज़्यादा टाइम लगता है उसको चेंज करने के लिए। डिजन ऑफ टू डू विद द प्रोसेसमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, यानी किसी मटेरियल को चेंज करते हैं, कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं है, दूसरा मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है, उस मटेरियल को चलाना चाहिए। केमिकल में ज़्यादातर ये चीज़ होती है क्योंकि एक केमिकल खत्म हो गया दूसरा केमिकल हम यूज करना चाहते हैं उसके सब्स्टिट्यूटर में, तो वहाँ पर ये डिजाइन चेंज हो जाती है। दूसरा होता है सेकेंडरी चेंजेस और अदर चेंजेस कुछ होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चेंजेज हैं मैंने बताए, इसी प्रकार से जो चेंजेज होते हैं वो डिजाइन चेंज के अंतर्गत आते हैं। साथियों आइए अब हम देखते हैं ECN। ECN होती है हमारी इंजीनियरिंग चेंज नोट, ये फॉर्म है दिया गया है। साथियों इस फॉर्म के अंतर्गत आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। यहाँ पर आपका कंपनी का लोगो आ जाएगा, यहाँ कंपनी का नाम या डॉक्यूमेंट नंबर, यानी ये प्रोडक्शन में जाएगा तो प्रोडक्शन, या QA में जाएगा QA, R&D में जाएगा R&D, या नंबर आ जाएगा कौन सा नंबर है, अगर कोई रिविजन है तो रिविजन नंबर, या इफेक्टिव डेट कौन सी डेट को बना वो डेट। दूसरा यहां पर आ जाएगा आपका ये, ठीक है। आगे साथियों देखते हैं अगर कोई रिवीजन डेट हुई तो रिवीजन डेट, जिस डेट को रिवीजन हुआ है फॉर्म। अब हम इसमें भरते हैं जो हमारा ओरिजिनल पार्ट्स या ड्राइंग नंबर है, यानी ओरिजिनल पार्ट का नंबर या ड्राइंग का नंबर यहां पर आ जाएगा। यहां पर आ जाएगा उसका नेम, उसका नाम क्या है, अगर कोई रिवीजन है उस पार्ट में और ड्राइंग में, उस पार्ट की ड्राइंग में, तो वो रिवीजन नंबर आ जाएगा और जहाँ डिस्क्रिप्शन आ जाएगा पूरा, ठीक है। यहाँ पर इसे नंबर आ जाएगा, क्या इसे नंबर है, अगर हम पार्ट भी चेंज कर रहे हैं उस पार्ट का नाम ही चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पार्ट का चेंज का नाम आ जाएगा, उस पार्ट का नाम चेंज करके यहाँ दूसरा नाम चेंज आ जाएगा, उसका पार्ट नंबर, नेम और रिवीजन, इस प्रकार से ये भर जाता है। अब हम इसमें से रीज़न फॉर चेंज, हम क्यों चेंज कर रहे हैं, यानी कोई हमारी फिटमेंट में प्रॉब्लम आ रही है या कॉस्ट के लिए है, किसके लिए है, जैसे हमने ये बताया था ना कॉस्ट रिडक्शन के लिए कर रहे हैं, तो कॉस्ट रिडक्शन के लिए हम लिख देंगे ना कॉस्ट रिडक्शन के लिए, ये हमारा रीजन हो जाएगा। अब क्या रिजन चेंज कर रहे हैं, कोई पैरामीटर चेंज कर रहे हैं, कोई डायमेंशन चेंज कर रहे हैं, वो डायमेंशन यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अब इससे आगे देखते हैं इससे इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा वो चीज देखते हैं। हम जो हमने चेंज किया कॉस्ट के लिए, कोई डायमेंशन चेंज करी, सपोज दैट हमने कोई डायमेंशन थी हमारी, यानी ये था हमारा 10 था, ठीक है, प्लस माइनस कितना था हमारा 0. ये इसकी जगह 3 था, इसकी जगह पर हम क्या कर रहे हैं 12 प्लस माइनस 0.3 कर दिया ना, तो जब पूरा डिटेल में लिख दिया जाएगा
यानी हम इसको चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं, तो ये डिस्क्रिप्शन पूरा लिख दिया जाएगा यहां पर इस प्रकार से। अब इसका चेंज कहां कहां आएगा वो देखते हैं। स्पेसिफिकेशन चेंज हो जाएंगे हमारे, दूसरा हमारे असेंबली ड्राइंग पर क्या फर्क पड़ेगा वहां चेंज होगा, परचेज वाले को बताना पड़ेगा हमें, प्रोसेस पैरामीटर भी हमारे चेंज होंगे, कंट्रोल प्लांट भी चेंज होगा, और पैकिंग लिस्ट अगर कोई है तो इसमें चेंज होगा, प्राइस में भी चेंज है तो प्राइस में चेंज क्लिक कर देंगे। तो जिस जिस पे चीज पे चेंज होगा वहां पर हमारा ये चेंज में आ जाएगा। यहां पर नाम आ जाएगा उसका जो बंदा इसको चेंज कर रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कर रहा है, क्यूए डिपार्टमेंट का कर रहा है, आरएनडी डिपार्टमेंट का कर रहा है, उस डिपार्टमेंट का कर रहा है उसका नाम आ जाएगा, प्रोसेस का नाम आ जाएगा, आरएनडी का है, प्रोडक्शन का है, या क्यूए का है, मेंटेनेंस का है, उसका ना प्रोसेस का नाम, यहां पर सिग्नेचर, या सिग्नेचर और यहां डेट। इतना फॉर्म भरने के बाद इसको हम अप्रूवल लेते हैं, ठीक है, इसमें से है उसमें टिक कर देंगे। उसी प्रकार यानी क्या रिक्वायरमेंट है हमारी इसको देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारी सेफ्टी टीम बैठती है, वो सेफ्टी टीम के मेंबर्स होते हैं, क्यूए का होगा, परचेज का होगा, पीपीसी का होगा, या आपके मेंटेनेंस का होगा, जिस जिस इम्पैक्ट पड़ेगा इन चीज़ का, यानी जिन जिस डिपार्टमेंट में इसको असर पड़ेगा, यानी कोई हम मटेरियल चेंज कर रहे हैं, हम मान के चलो कोई मटेरियल हमारी प्रोडक्शन परचेज कर रहा था मटेरियल ज़्यादा, तो हम उसकी क्वांटिटी कम कर दी हमने, तो हमने कम दिखाना पड़ेगा ना, परचेज करना पड़ेगा, तो परचेज में इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम चेंजेस करते हैं, उन पूरी टीम का नाम आता है साथियों। साथियों और डिटेल में समझने के लिए साथियों ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, क्योंकि पूरी एकदम वीडियो में नहीं बता सकता पूरी में, तो उसके लिए ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी। तो पूरा फॉर्मेट भर के फिलअप करके एक दो फॉर्मेट करके मैं बताता हूँ। तो साथियों अगर आपको आईएसओ के डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो हमारे मेरे से कांटेक्ट करिए दिए नंबर पर, तो आपको कुछ पेड करके आईएसओ के डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। जैसे बात करूँ मैं, ये हमारे इंडेक्स बना रखा है, इसमें प्रोसीजर्स होते हैं, है ना, WI फॉर्मेट, है ना, ये सारी चीज़ें, क्वालिटी पॉलिसी, ये सब चीज़ें। अगर आपको फॉरम चेंज के डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी अवेलेबल है मेरे पास, वो भी ले सकते हो आप। अगर आप किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो उसके क्वेश्चन बैंक भी ले सकते हो, तो इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन बैंक होते हैं, तो ये भी परचेज कर सकते हो। साथियों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, थैंक यू।